नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए नजर डालते हैं अब तक की ताजा खबरों पर, लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। उज्जैन में SBI के कर्मचारियों का हुआ सम्मेलन। खरगोन के कसरावद में हुई महिला की संदिग्ध मौत। और उज्जैन में कोरोना वायरस से नहीं घबराने की स्वास्थ्य विभाग ने की है अपील। अब खबरें विस्तार से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी यूनियन का उज्जैन में बीते दिन एक सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें SBI अवार्ड स्टाफ एम्प्लॉयज यूनियन भोपाल सर्कल और इंदौर अंचल के क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अवार्ड स्टाफ एम्प्लॉयज यूनियन भोपाल सर्कल भोपाल के इंदौर अंचल के क्षेत्र 5 उज्जैन में कर्मचारी यूनियन के क्षेत्रीय सम्मेलन का शानदार आयोजन बीते दिन संपन्न हुआ। शहर के कालिदास एकेडमी ऑडिटोरियम में बड़ी संख्या में बैंक के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सर्कल अध्यक्ष कॉमरेड रजत मोहन वर्मा एवं मुख्य अतिथि सर्कल महासचिव कॉमरेड अरुण भगोलीवाल रहे। इस कार्यक्रम में इंदौर अंचल के उप महासचिव कॉमरेड सतीश गुप्ता जी को बैंक सेवा से सेवानिवृत्त पर हार्दिक बधाई दी गई। यूनियन के उज्जैन से संगठन सचिव राजेश गिरी, स्टेट ऑफ इंडिया मुख्य शाखा उज्जैन द्वारा दी गई। किस प्रकार का प्रोग्राम है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वार्ड स्टाफ एम्प्लॉय यूनियन का क्षेत्रीय सम्मेलन और विदाई समारोह हमारे उप महासचिव श्री सतीश गुप्ता जी का सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह हो रहा है। इस तात्पर्य में हम पूरे रीजन फैट के कर्मचारी अधिकारी यहाँ पे इकट्ठे होकर उनको सम्माननीय बधाई विदाई दे रहे हैं। और 60 साल की जो ससम्मान बेदाग नौकरी कर लेता है स्टेट बैंक की, उसके सम्मान में हम हमारे पदाधिकारी को इस तरह की विदाई दी जाती है। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। खरगोन जिले में कसरावद तहसील क्षेत्र के ग्राम अहिर धामनोद में मंगलवार को एक महिला की कुएं में लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। महिला की लाश को देखते ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जहां खरटाका पुलिस चौकी की जानकारी के अनुसार सुबह 10 बजे के लगभग मंगलवार को एक महिला की लाश कुएं में मिली। लाश की शिनाख्त की गई, जिससे पता चला कि महिला निवासी रामपुरा की है, जिसका नाम रुचिका पति पवन देशवाली वाड़िया से पहचान हुई। महिला की उम्र 22 वर्ष के लगभग बताई गई है। बताया जा रहा है कि महिला की एक 1.5 माह की लड़की भी है। वहीं महिला की शादी को अभी 3 ही साल हुए थे। पुलिस के अनुसार महिला रामपुरा गाँव से मगरखेड़ी होते हुए अहिर धामनोद पहुंची। पुलिस ने महिला को मर्ग कायम कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसरावद भेज दिया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। अभी पूरी तरह से मौत का खुलासा नहीं हो पाया है। कसरावद से शिव कुमार राठौर की रिपोर्ट। अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ग्राम पंचायत नागपुरा जनपद खटिया जिला उज्जैन की ओर से आप सभी देशवासियों को 71वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई करता सरपंच पार्वती बाई, सचिव दिलीप सोनगरा, रोजगार सहायक गोपाल गौड़। ग्राम पंचायत कालाकुंड जनपद महू जिला इंदौर की ओर से आप सभी देशवासियों को 71वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई करता सरपंच नंदनी कोहली, सचिव केदार खैर। चीन के हुबई राज्य के वुहान शहर में एक नए प्रकार के कोरोना वायरस से निमोनिया के प्रकरण पाए गए हैं। उज्जैन जिले में इस वायरस से पीड़ित कोई भी व्यक्ति नहीं पाया गया। जिला चिकित्सा अधिकारी ने सभी से अपील की है कि कोरोना वायरस से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीमारी के बारे में किसी तरह की अफवाहों से किसी भी नागरिक को डरने की आवश्यकता नहीं है। एहतियात के तौर पर चीन से यात्रा कर लौटे हुए व्यक्तियों की जांच की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल ने बताया कि राज्य स्तर से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुरूप जिले में स्वास्थ्य संस्थाओं को सतर्क कर दिया गया है। एक व्यक्ति जरूर हमारे यहाँ चाइना का जो इफेक्टेड एरिया है वहाँ से अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ उज्जैन में आया है, तो एहतियातन तौर पे हम लोगों ने उस व्यक्ति को अपने अस्पताल में भर्ती कराया है और साथ ही उसके ब्लड सैंपल हम लोगों ने लिए हैं और सैंपल को जांच के लिए भिजवाया है, जिससे कि ये थोड़ा कंफर्म हो जाए कि वो किस प्रकार का केस है। कहीं उसमें कोरोना वायरस जो अभी संक्रमित बीमारी है उसका कोई केस तो नहीं है उसमें। मेरे ख्याल से जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी वो क्लियर हो जाएगा। ये अकेला एक केस था जो हमारे यहाँ उस इफेक्टेड रीजन से यहाँ पर आने का एक केस आया हमारे पास। हिंदुस्तान से जो भी भाषा आ रहा है उनको किस प्रकार सचेत किया है, चेकिंग करा गई?
हालांकि हम लोगों ने जो वहाँ आसपास के एरिया हैं जिनके टच में वो व्यक्ति आया है उनके साथ भी हम लोग संपर्क में हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कहीं कोई उसका संक्रमण फैला हो। साथ ही इसको लेकर लगातार हम लोग ये एक मैसेज चला रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर देखने में आता है तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग को एवं प्रशासन को सूचित करें। अभी मुझे सस्पेक्ट भी नहीं कह सकते क्योंकि मैं चाइना के वुहान शहर में पढ़ रहा था। इंडियन गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि एक बार स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए, तो स्क्रीनिंग टेस्ट के रिपोर्ट्स आज आ जाएंगी शाम तक, और फिर उसके बाद मुझे जो भी आएगी नेगेटिव आएगी रिपोर्ट उसके बाद यहाँ से रिलीव कर देंगे। आप चाइना से कब आए? मैं चाइना से आया था 13th जनवरी को, और उसके पहले मैं 11th जनवरी को चीन के वुहान शहर से निकल चुका था। और मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए मुझ में उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं है, पर फिर भी गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो एक बार स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है। आपको बीमारी के बारे में कब मालूम पड़ा, अभी क्या हो रहा है आपको? कोई सिम्टम्स नहीं है, बहुत मामूली से सिम्टम्स भी नहीं थे, पर स्क्रीनिंग टेस्ट करना था और गवर्नमेंट का ऑर्डर था क्योंकि ये पूरा इंटरनेशनल मुद्दा हो जाता है इसलिए। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने डिस्कस किया है, मैंने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य कमिश्नर हेल्थ पूरे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है, कोरोना जो वायरस मध्य प्रदेश में दस्तक लेने वाला उज्जैन में आया है इसको जितनी गंभीरता से हम ले सकते हैं वो लेने के प्रदेश सरकार वचनबद्ध भी है, कटिबद्ध भी है। सभी संबंधित अधिकारियों को मैंने जिला अस्पताल से लेकर सिविल अस्पताल मध्य प्रदेश के हर जिले में बड़े बड़े सार्वजनिक स्थानों में जब जब भी कोई चुनौती मध्य प्रदेश में आती है तो मध्य प्रदेश की सरकार के साथ मध्य प्रदेश की जनता का सहयोग भी हमें मिलता है। ये चुनौती एक गंभीर है, इसको हम सब मिलकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी जिम्मेदारी से पूरी रिपोर्ट अभी आने वाली है, उसके बाद में आपसे चर्चा करूंगा। सब जगह एयरपोर्ट जितने भी सार्वजनिक स्थान है बड़े बड़े उन सबको आयुष्मान के संबंध में मैंने जो मांगिए जिस स्तर पे होना था 1,33,00,000 का हुआ है, लगभग अभी 4 करोड़ लोगों का पंजीयन बाकी है। और आयुष्मान की जो योजना को लेकर कई अस्पताल आज भी वंचित थे उनको जोड़ने का प्रयास हुआ, और जो गरीब इस योजना का लाभ मिले मेरी कोशिश है अधिक से अधिक उनको अगली विधानसभा उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी हर खबर हर अपडेट के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।